अगर चैनल को खड़ा किया किसी ने तो इस एस क्रॉस ने किया। हमारी गाड़ी ये हर 400-450 ब्रीडर को, कैनल को, डॉग फॉर्म को मैंने कवर किया, वो सभी इस गाड़ी को जानते हैं क्योंकि एक एक बंदे के पास हम इसी गाड़ी में पहुंचे हैं। ट्रैवलिंग बायर भी करते हैं लेकिन मैक्सिमम 99% इसी गाड़ी में हम पहुंचे। तो बहुत बड़ा रोल है गाड़ी का, बड़ा रोल है, इस कूबर्स को खड़ा इसी ने किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हम करने वाले हैं मारुति सुजुकी एस क्रॉस का एक ओनरशिप रिव्यू। कार्तिक भाई की ये गाड़ी है। अगर आप इनको पहले से जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन है कार्तिक भाई। फिलहाल भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पर आ सकूं। और आज मैं अपनी गाड़ी के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ जो अमर भाई पूछेंगे। ये बड़ा अच्छा एक कदम उठाया हुआ है कि पुराने गाड़ियों के रिव्यू लेते हैं कस्टमर से, ताकि आने वाले जो बंदे होते हैं गाड़ी के बारे में सारा कुछ जान सकें। तो आइए बताएं अमर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप जी? भैया ये गाड़ी आपने कब खरीदी थी? भैया ये 2017 की मॉडल है। और कितनी चला चुके हैं आप इसको? भैया अगर मैंने चैनल खोला था आज से 1.5 साल पहले, और मैंने अभी पूरा इंडिया तो नहीं घूमा, जितना पंजाब, J&K, हिमाचल, हरियाणा और कलकत्ता एक बार मैंने टूर किया इसके ऊपर, और ये 1,75,000 चल चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी अलग है क्योंकि एक नॉर्मल गाड़ी नहीं है। अब 1,75,000 किलोमीटर किसी एक नॉर्मल गाड़ी को चलाना, मतलब आपने SUVs तो बहुत सुनी होंगी जैसे कि आपकी फॉर्च्यूनर, इनोवा या सफारी टाइप, वो गाड़ियां 2-2, 3-3 लाख तक लोग चला देते हैं, बट एस क्रॉस जैसी गाड़ी इन्होंने 2.25 लाख किलोमीटर चलाई है। भैया आपने एस क्रॉस क्यों खरीदी थी उस टाइम पे? सबसे पहले आप ये बताओ। भैया मेरा जब चैनल शुरू हुआ था, मेरा टूरिंग का काम है, मैं लोगों के कैनल पर जाता हूँ, तो वो कैनल कहीं भी हो सकता है, कलकत्ता में भी हो सकता है, लखनऊ में भी हो सकता है, तो इसके कारण मुझे एक गाड़ी ऐसी चाहिए थी जिसकी माइलेज अच्छी हो, जो चलने में स्मूथ हो, और एक कंफर्टेबल गाड़ी हो और छोटी हो। देखने में अंदर से तो बड़ी है लेकिन बाहर से छोटी हो, क्योंकि हम बड़ी सिटी में जब जाते हैं तो एक बड़ी गाड़ी, स्कॉर्पियो वगैरह, इनोवा वगैरह, एक मेरे पास इनोवा भी है, वो मैं लेकर नहीं जा सकता, इसलिए मेरा मेन पर्पज़ था क्रेटा और इसमें कुछ लेना। अच्छा, तो फिर आपने क्रेटा ना चूज़ करके एस क्रॉस चूज़ करी? क्रेटा एक्चुअली भैया उस टाइम पर 3 महीने की वेटिंग थी। ओके। तो जब आपको पता है आदमी के खुजली होती है ना जब, तो फिर वो जाता ही जाता है उस खुजली मिटाने के लिए। तो जिस पर्पज़ से जब एस क्रॉस आपने ली थी, ये सारे पर्पज़ अभी ये पूरे कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने 1,75,000 अगर चलाई है तो सिर्फ एक सर्विस और डीजल, इसके अलावा टायर वो डलवाए हैं, नथिंग एल्स। तो भैया अभी तक कितने जोड़ी टायर आप इससे उतार चुके हो? मे बी 8-10। 8-10 जोड़ी टायर? 3-4 महीने मेरे मैक्सिमम टायर चलते हैं। अच्छा। मतलब 2 डलवाता हूँ, एक जोड़ी डलवाता हूँ, फिर 3-4 महीने के बाद एक जोड़ी और चलती है। तो मतलब ऐसा ही है कि कुछ खराब रास्तों पे भी चलती होगी इसलिए जल्दी जल्दी भी? बिल्कुल, हर तरह के रास्ते में चलती है, आप देख सकते हो इसकी कंडीशन। इसके मैंने आज तक इसका कोई इंश्योरेंस नहीं लिया, कोई क्लेम नहीं लिया, कोई गाड़ी ठोक भी गया तो मैं आगे हंसते हुए कह देता हूँ ठीक है भाई चले जा, क्योंकि मुझे पता है मैंने गाड़ी ओरिजिनल रखी हुई है, अभी तक एजेंसी में भेजी भी नहीं। अगर आप बोलोगे मैंने सर्विस करवाई है, सर्विस भी वही करवाई है जो 4-5 जो फ्री मिलती है स्टार्टिंग में, 3-4 जो फ्री होती है वो तो मुझे याद नहीं अब, लेकिन उसके बाद मैं सर्विस भी बाहर से ही करवा रहा हूँ क्योंकि एजेंसी में मेरा बिल बन जाता है 11-12 हज़ार, तो मैं नहीं जाता उधर, महाजन आदमी है तो पैसा बचाने के चक्कर में बाहर से करवा लेते हैं। अच्छा अच्छा दोस्तों, ये गाड़ी डीजल में है, फिलहाल डीजल में आनी बंद हो चुकी है, और ये गाड़ी है आपकी 1.3 लीटर। तो भैया अब ये आप ये बताओ दोस्तों, वैसे मैं इसका ओनरशिप रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ, एक तो हमारे कार्तिक भाई हैं, यूट्यूबर हैं, आप लोगों को भी जान के अच्छा लगेगा कि आप सिर्फ फ्रंट से देखते हो कि एक यूट्यूबर कैसे कंटेंट क्रिएट करता है, क्या जर्नी होती है, अब आपको शायद ये भी पता चलेगा कि इतना आसान नहीं है। लोकेशंस जैसे कि भैया ने बताया कि पठानकोट से ये कलकत्ता तक भी गाड़ी से गए हैं बाय रोड, बिल्कुल, जो कि अपने आप में एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत है, 3,000 किलोमीटर है मेरे ख्याल से। हाँ, तो मतलब बाय एयर भी आप जा सकते हो, लेकिन अगर गाड़ी का ऑप्शन है तो गाड़ी में कुछ लोग क्या है कंफर्टेबल फील करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है कि अब मैं कलकत्ता गया था और मुझे बीच में जमशेदपुर, रांची ऐसे स्टेशन पर रुकना था जो बाय एयर हम ट्रैवल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने स्टॉप लिया दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ लिया, लखनऊ से हम आगरा भी रुके, मतलब पहले आगरा रुक गए फिर लखनऊ रुक गए, ऐसे करके हम गए थे, हमने 6 दिन में कलकत्ता कवर किया था इस गाड़ी में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को इस तरीके से ले सकते हैं कि आपको एस क्रॉस का इसके अंदर ओनरशिप रिव्यू तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो इनका एक लाइफ स्टाइल है, जो ये ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी से, इतना ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं तो मुझे लगता है कि हफ्ते में 7 दिन में से ये 4 दिन तो गाड़ी में पक्का चलते होंगे। ऐसा नहीं, हम सैटरडे संडे को ही अपने चैनल पर वर्क करते हैं और सैटरडे संडे में इतनी गाड़ी चल जाती है कि आप उतनी एक महीने में नहीं चलाते जितनी हम यहाँ पर ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को इस तरीके से ले सकते हैं क्योंकि अभी डीजल तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट सेकंड हैंड मार्केट के अंदर इस गाड़ी का बहुत अच्छा खासा ऑप्शन अवेलेबल है।
तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इस बात से बिल्कुल क्लियरिटी आएगी, अगर वो एस्क्रोस लेना चाहते हैं डीजल में सेकंड हैंड, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। तो कार्तिक भाई, जैसे आपने अभी बताया कि आप सिर्फ सर्विस करा रहे हो, डीजल डलवा रहे हो और टायर चेंज होते हैं, उसके अलावा इसके इंजन में कोई भी काम नहीं हुआ? मैंने एक रुपया नहीं लगाया आज तक इंजन के ऊपर, मैंने खोला भी नहीं है इसका। मतलब तो अभी तक कोई शिकायत आई नहीं है? बिल्कुल नहीं आई कोई। मतलब आप कह रहे हो मेरी तो गाड़ी की, आप देखोगे फोग लाइट टूटी हुई है, मैंने नहीं डलवाई। क्यों नहीं डलवाई? पहले डीजल की गाड़ी क्यों लेते थे हम? डीजल का प्राइस का वेरिएशन रहता था 20 से 25 रुपए, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं है। अब गाड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए चलने में, गाड़ी आपको खर्चा नहीं दे रही। मारुति का मतलब या नेक्सा का मतलब एक ही है, बजाज चेतक होता था पुराना, कि आम आदमी भी खोल लेता था, वही हिसाब इसके साथ है। मैंने 3-4 सर्विस जो एजेंसी में कराई है, उसके अलावा बाहर से ही काम करवाया। तो भैया कितना माइलेज देती है आपको? 18 से 20 माइलेज। माइलेज बहुत अच्छी है। तो ये बात बताओ, जैसे अभी तो 2.25 लाख चल गई, ये शुरुआत से 18 से 20 है या थोड़ा बहुत कम हुआ है? कभी गौर ही नहीं किया। मतलब हो सकता है कि तब 20-22 देती हो, लेकिन जब नहीं, 18-20 की इसकी एवरेज है। ठीक है, तो जैसे आपने इतनी ये चलाई है, अभी आपको लगता है कि हाँ भाई सस्पेंशन में काम आ रहा है या थोड़ी सी गाड़ी ढीली हुई है कुछ ऐसा? अमर जी, मैं आपने भी चला के देखी है, आपने भी गाड़ी देखी है, मेरे लिए तो वैसी की वैसी है। कहते हैं ना, डॉक्टर के पास बंदा तब जाता है जब उसका कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो। मेरी गाड़ी कहीं बंद भी नहीं पड़ी आज तक। मैं ऐसे कहूं कि मेरी गाड़ी खराब कर रही है। मेरी गाड़ी का इवन क्या, रास्ते में टायर पंचर भी नहीं हुआ। अगर टायर पंचर हुआ तो वो भी पंचर वाली की दुकान के आगे। ये तो हमारी किस्मत कह सकते हो, या गाड़ी हमें इतनी लक्की मिली है कि इसने हमें तंग ही नहीं किया। अब भैया ये बताओ, आपने यही कलर क्यों चूज किया इसका? कलर ये एक्चुअली ना, इस कलर में एक आपने देखा होगा BMW आती थी उस टाइम पर, इसी कलर में आई थी BMW। तो अब BMW के लिए पैसे भी चाहिए थे जेब में, तो ये कलर देखा था उस टाइम पर, नया कलर था ये। अब तो चलो नॉर्मल, मेरे ख्याल से अभी भी नहीं आता है, एस्क्रॉस में ही आता है ये कलर, तो इसलिए ये कलर चूज किया था मैंने। तो ये कलर आपको इको स्पोर्ट के अंदर भी मिल सकता था, तो आप इको स्पोर्ट वगैरह की तरफ? इको स्पोर्ट जब मैं उस टाइम पर, मेरा मन ही क्रेटा और इसके ऊपर था। इको स्पोर्ट की तरफ मैं क्यों नहीं जाना चाहता, मैंने जिसको भी पूछता था वो कहते थे कोई टायर खाता है। उसके मेरे 2-3 दोस्त थे, उनके पास इको स्पोर्ट भी थी, लेकिन मुझे मन नहीं किया। अब ये एक ब्रांड होता है ना, आदमी कहते हैं ब्रांड के पीछे ही भागता है, तो एक मारुति का ब्रांड था वो। हम अगर इंडियन, टिपिकल इंडियन है, तो हमें मारुति पर ही भरोसा करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा कार्तिक भाई ये बताओ, जैसे हाईवेज पे आपका ज़्यादातर रन होता है, तो मैक्सिमम आप कितनी स्पीड तक इस गाड़ी को लेके गए हो? 100-120। इससे ऊपर मैं कभी नहीं गया। जब मैं कलकत्ता भी गया था तो एक्सप्रेस हाईवे आते हैं, वहां पर 100 पर चलाया था, बाकी तो 80-100 पर ही एवरेज रहता है। जब भी आप लॉन्ग रन करते हो तो ये तो है नहीं कि 140 या 160 की स्पीड पर चल सकते हो। अगर आप 80 पर क्रूज है, इसमें 80 पर क्रूज सेट कर लेते हैं, आराम से कंफर्टेबली चलते हैं। आपको इसकी ब्रेकिंग कैसी लगती है, क्योंकि इसके चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक है? नहीं, मुझे इतना नहीं पता, मैं टेक्निकली इतना नहीं जानता कि इसके चारों टायर में है, लेकिन ब्रेक का मैंने आपको बताया ना, ब्रेक ऑयल डला होगा। आज तक मैंने इसके ब्रेक शूज जो होते हैं वो डलवाए होंगे, वो बाहर से ही डलवाए हैं एजेंसी में। एक आधी बार आपको पता ही, नई गाड़ी जब चलती है 10-15-20 हज़ार, तब वो डाल देते हैं, क्योंकि उनका खराब ही नहीं होता, उन्होंने बिल बनाने के लिए एजेंसी वालों को होता है, छोटी सी चीज होती है वो डाल देते हैं। उसके अलावा तो अच्छी साथ आपको दिखाता भी हूँ गाड़ी की जो कंडीशन है। फिलहाल थोड़ी बारिश की वजह से गंदी हो रखी है, बट आप देखें, मेंटेन करने के ऊपर बात है, 1,75,000 किलोमीटर चलाना कोई मजाक बात नहीं है, वो भी 4 साल के पीरियड में। 2017 वेरिएंट ये गाड़ी है, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैंने भी ये चलाई है काफ़ी ज़्यादा, अभी 50-60 किलोमीटर मैंने भी ये चलाई है। मतलब क्या है कि गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से काम कर रहे हैं। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि गाड़ी 4 साल पुरानी है, फ़र्क इस बात से भी पड़ता है कि गाड़ी की रनिंग कितनी ज़्यादा हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे सिटी में पठानकोट में एक सग्गू मैकेनिक है, वो जब भी मैं कोई लॉन्ग रन करता हूँ 5-10 हज़ार किलोमीटर का, अगर मैं निकल गया 5-10 हज़ार किलोमीटर सफ़र करके आया, तो मेरी आदत होती है कि उसको गाड़ी दे देना और उसको बोलना कि इसमें तेल डलता तेल डाल दे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कर दे। ये आपको करना, करते रहे तो अच्छा है। ये नहीं है कि गाड़ी आपकी चला रहे हो 40-50 हज़ार चला रहे हो, उसकी सर्विस नहीं करवा रहे, टाइम पर सर्विस करवाइए, वो आपको एक लॉन्ग रन में पैसे बचा के देगी गाड़ी। अच्छा कार्तिक भाई ये बात और बताओ, आप जैसे इस गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेस है, क्रेटा से थोड़ा कम है बट काफ़ी स्पेसियस ये गाड़ी है, कंफर्ट से रिलेटेड आपको कोई शिकायत हो इसमें? कोई भी शिकायत नहीं है, अगर शिकायत होती, मेरे पास 2 गाड़ियाँ और हैं। मैं वो नहीं चलाता। मुझे अगर आप बोलोगे कि महाराष्ट्र में जाना है तो मैं एस्क्रॉस ही लेकर जाऊंगा। मतलब अगर इनोवा खड़ी है साथ में और मैं नहीं लेकर जाऊंगा इनोवा। अब जहां पर मेरा 4 हज़ार का डीजल लगता है, मैं वहां पर 10-12 हज़ार का डीजल को डलवाऊंगा, ठीक है ना। मैं इनोवा में मैं थक भी जाता हूं, बड़ी गाड़ी है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती,
अपने अपने सूटेबल पर है। एस क्रॉस मुझे कंफर्टेबल लगी थी। तो अगर कोई इस गाड़ी को सेकंड हैंड लेना चाहता है तो बिल्कुल लीजिए, आप एस क्रॉस लीजिए। तो आप इसकी कुछ ऐसी दो तीन यूएसपी बताएंगे कि वाकई में ये गाड़ी लेनी चाहिए सेकंड हैंड में भी। देखिए ओवरऑल डीजल और पेट्रोल का फ़ायदा तो रहा नहीं, आजकल सेम ही हो गया। अगर वो सोच के आप ले रहे हैं तो वो तो फ़ायदा कोई नहीं है। बाकी एस क्रॉस में अगर आपको, मैंने आपको बताया ना बजाज चेतक होता था, उसके अलावा कितने मोटरसाइकिल आ गए, लेकिन आज भी ट्रस्टेबल बजाज का नाम हर बच्चा बच्चा जानता है। वही हिसाब है मारुति का, मारुति ले लो, नेक्सा ले लो। सबसे अच्छी बात है इनकी सर्विस अच्छी है, पार्ट्स इनके सारे बाज़ार में मिल जाते हैं। अगर आपको कोई छोटी सी चीज़ है, ये वो नहीं है कि 10,000 की चीज़ आपको 50,000 में मिलेगी, वो आपको नॉर्मल 500-700 हज़ार में मिल जाती है। कार्तिक भैया एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सारी बातें आपने करी, सारे पॉजिटिव्स गाड़ी के बताए, कोई एक आध नेगेटिव तो आपको लगा होगा कि हाँ भाई ये कमी तो है, और इतने पैसे अगर आपसे उस टाइम पे चार्ज करे हैं तो ये कमी थी, ये सुधार करके देनी चाहिए थी। देखिए एयर बैग है इसमें, आज तक खोले नहीं, एक्सीडेंट हुआ नहीं भगवान की दया से। नहीं खुलने भी नहीं चाहिए, हम चाहते भी नहीं। सिंपल बात है, ना हमने देखे कि अंदर से खुलते कैसे हैं, अभी ये तक ऐसा कोई बनी भी नहीं है बात। बाकी अगर टीन का डब्बा है, ये कहीं से भी मैंने डेंटिंग बेंडिंग नहीं कराई, ये तो है नहीं कि कोई टक्कर नहीं मारता, छोटी मोटी रगड़ें तो आती रहती हैं, अगर ये धोई होती तो आपको पता लगता। कमी ये है कि इसके जो बम्पर हैं वो ढीले रहते हैं थोड़े, वो जल्दी आपके ढीले हो जाते हैं। मुझे यहाँ पर स्क्रू वगैरह आप देख सकते हो, ये स्क्रू वगैरह लगाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टायर के ऊपर जो फ्लैप होते हैं वो बड़ी जल्दी मतलब निकल जाते हैं, थोड़ी सी बारिश में हम निकलते हैं, वो आप नए डलवा लो वो भी उड़ जाते हैं, वो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इसकी फोग लाइट बिल्कुल निकम्मी थी, वो मेरे ख्याल से 3-4 महीने के अंदर ही टूट गई थी, वो लगा भी नहीं था, अपने आप ही टूट गई थी। वो थोड़ा सा इनमें उस मॉडल में हो सकता है, क्या पता नए मॉडल में इन्होंने कोई सुधार किया हो। बाकी गाड़ी चलने में थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा हो जाती है, ये हमने देखा है कि 1-2 साल के बाद जो नई नई गाड़ी होती है उसके बाद आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। वो ये भी हो सकता है कि मैंने गाड़ी चला बहुत दी है उसके कारण भी। अभी मुझे इतना नहीं पता कि इसका इंजन कब ओवरऑल होता है, लेकिन अभी चल रही है। नहीं जैसे जैसे गाड़ी धीरे धीरे ज़्यादा चलती है ना, डीजल गाड़ी में खासकर उसके क्लच पैडल, उसका गियर लीवर, ये हार्ड होने लगते हैं, स्मूथनेस टाइम के साथ साथ कम हो जाती है। ये हो जाता है डीजल में। मैं अगर रेकमेंड नहीं करूँगा कि डीजल ही लो आप, पेट्रोल ले लो, क्योंकि खर्चा सेम है और पेट्रोल का खर्चा उल्टा कम है और लाइफ ज़्यादा है और लाइट वेट गाड़ी है। मेरे मानना कि डीजल गाड़ी थोड़ी हैवी होती है, उसके कारण उसके टायर भी ज़्यादा बर्न होते होंगे, सारा कुछ होता होगा, तो इसलिए हमेशा पोल्यूशन भी ज़्यादा करती है। अगर हमने डीजल ली है तो हमने ली है, लेकिन अगर पेट्रोल वेरिएंट इसका आ रहा है तो मैं नेक्स्ट चाहूँगा कि वो लूँ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमने कार्तिक भाई से सारी बातें करी, उन्होंने अपनी जर्नी बताई। इस वीडियो को आप ओनरशिप रिव्यू के साथ साथ एक जर्नी की तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स चीज़ें हैं। गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू तो है ही, साथ के साथ ये गाड़ी ही है जो इनके साथ रहती है, जैसे इनके साथ कैमरा रहता है। स्कूबर्स अगर चैनल को खड़ा किया किसी ने तो इस एस क्रॉस ने किया। हमारी गाड़ी ये हर 400-450 ब्रीडर को, कैनल को, डॉग फॉर्म को मैंने कवर किया, वो सभी इस गाड़ी को जानते हैं, क्योंकि एक एक बंदे के पास हम इसी गाड़ी में पहुँचे। ट्रैवलिंग बायर भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 99% इसी गाड़ी में हम पहुंचे। तो बहुत बड़ा रोल है गाड़ी का, बड़ा रोल है। इस स्कूबर्स को खड़ा ही इसी ने किया। फिर आप इसको बेचोगे ना, इसका मतलब? मतलब ही नहीं है, बेचने में फायदा क्या, मुझे कोई पैसे देगा भी नहीं। मेरी गाड़ी जितनी चली हुई है, मीटर पीछे तो मैंने करवाया ही नहीं, आप देख सकते हो, मीटर भी दिखा सकते हो इनको, गाड़ी जो जेन्युइन चली है वो चली है, तो मेरे से कोई अंधा ही लेगा गाड़ी अगर लेगा तो। तो भाइयों आज की वीडियो में यही सब बातें थी जो हमने कार्तिक भाई से करी, उन्होंने आपके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। अगर आप एस क्रॉस डीजल सेकंड हैंड लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में यही सब बातें थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्कूबर्स का, अगर आप एक डॉग लवर हैं, इवन मैं ये कहूँगा अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो चैनल पर जाएँ, विजिट करें और एक बार इनकी वीडियोज़ देखें, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ भैया शूट करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में यही सब बातें थी, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।